ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं सिर के आगे, मतलब वे चाहते हैं कि आप केवल आगे आने वाली चीजों पर नजर रखो, ना कि पिछली गुजरी हुई चीजों को देख देख कर रोते रहो। आपके हाथ में लकीरें दी हुई हैं, लकीरों में आपका भविष्य है, मतलब ईश्वर यह बताना चाहता है कि आपका भविष्य आपके ही हाथों में है। आपके कान वही सुन सकते हैं जो आपके आसपास, आपके सामने, आपके मुंह पर बोला जाए, मतलब ईश्वर चाहते हैं कि आप पीठ पीछे की गई बातों को ना सुनो, ना ही उन पर ध्यान दो। दोस्तों, अच्छा देखने के, अच्छा सुनने के और अच्छा करने के जमाने गए। जमाना तो ये है कि आप आगे का देखो, आपके जो बस में है वो आप काम करो और जो आपसे मुंह पर बात करे उसी की बात सुनो। अगर ये तीन छोटी चीजें आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपका जीवन पहले से ज्यादा आसान और सरल हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी तरक्की की रफ्तार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप फिर बेफिजूल की बातों में उलझोगे नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना बंद कीजिए और छोटे छोटे टारगेट बनाइए, क्योंकि छोटे टारगेट बड़ा इंसान बनाते हैं। आज कुर्बान करके अपने भविष्य का निर्माण कर लो, या आज का निर्माण करके अपने भविष्य को कुर्बान कर लो। कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान में किए गए मजे, अय्याशी और समय की बर्बादी आपके आज का निर्माण तो कर सकते हैं, आपको आज आनंद दिला सकते हैं, किंतु उनका परिणाम आपको आने वाले समय में अवश्य भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, 10 संकेत जो बताते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी है, आपके सिर पर छत है, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, आपके पास एक अच्छा और बड़ा दिल है, आज आपने पेट भर खाना खाया, आपके पास पीने के लिए साफ पानी है, कोई आपकी परवाह करता है, आप बेहतर इंसान बनने की इच्छा रखते हो, आपके पास पहनने के लिए साफ कपड़े हैं, आपके पास बड़े सपने हैं और आप सांस ले रहे हो, अर्थात आप जीवित हो। इसीलिए आपके पास जो है उसकी इज्जत करो और जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करो, किंतु दोनों हालातों में खुशी का दामन मत छोड़ो, क्योंकि उदासी से भरी सफलता किसी काम की नहीं। तो जीवन में हमेशा खुश रहिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। और हाँ, लाइक बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं आएगी।